नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ देश के नामी पहलवान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। वहीं पहलवानों के मामले में विपक्षी पार्टियों के साथ ही खाप पंचायतें और किसान संगठन तक कूद पड़े हैं। अब इस मुद्दे पर ओलंपियन और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने विपक्ष पर पहलवानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें, रिपोर्ट में बताया गया कि बबीता फोगाट ने कहा है कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ विशेष समिति द्वारा जांच की निगरानी कर रही है और पहलवानों की सभी वैध मांगों पर गौर किया जाएगा। बबीता फोगाट पहलवानों के मामले में जांच के लिए गठित निगरानी समिति की सदस्य हैं। हरिद्वार में हुई घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा, पहलवानों को इस मामले में भ्रमित करके उनका इस्तेमाल किया गया है। ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज पहलवानों ने इसी 30 मई को घोषणा की थी कि वह अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। उसी शाम को पहलवान हरिद्वार की हर की पौड़ी पर अपने मेडल लेकर पहुंच भी गए। यह सब होने ही वाला था कि एक नाटकीय घटनाक्रम में भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत के साथ कई खाप नेता वहां पहुंचे और पहलवानों को ऐसा ना करने पर माना लिया। इसके बाद पहलवानों ने अपने मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिए और पहलवानों ने अपने मेडल को गंगा में नहीं बहाया। ये पूरा एक नाटकीय घटनाक्रम था।